जनादेश में आज हम बात करेंगे चूरू जिले की प्रमुखता से। आइए जानते हैं कि यहाँ की सादुरपुर, सरदार शहर, तारानगर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण और चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। पेश है हमारी एक विशेष रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे चूरू जिले की। सादुलपुर में कुल मतदाता 2,48,448 हैं। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस की कृष्णा पूनिया ने भाजपा के राम सिंह कसवा को हराया था। सरदार शहर विधानसभा सीट में कुल मतदाता 3,05,332 हैं। 2018 में कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा ने भाजपा के अशोक पिंचा को हराया था। तारानगर में कुल मतदाताओं की संख्या 2,61,625 है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नरेंद्र बुड़ानिया ने भाजपा के राकेश जांगिड़ को हराया था। चूरू में कुल 2,55,480 मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को हराया था। रतनगढ़ में 1,44,689 पुरुष और 1,32,995 महिला मतदाता सहित कुल मतदाताओं की संख्या 2,77,685 है। यहां एक ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के अभिनेश महर्षि ने कांग्रेस के पूसाराम गोदारा को हराया था। सुजानगढ़ में कुल 2,89,117 मतदाता हैं। सुजानगढ़ में 2018 में कांग्रेस के भंवरलाल मेघवाल ने भाजपा के खेमाराम मेघवाल को हराया था। अब बात करते हैं इन क्षेत्रों के मुद्दों की। यहां सबसे बड़ा मुद्दा पानी की निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम का है। इन क्षेत्रों में बारिश के समय बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जिसके कारण निचले क्षेत्रों से संपर्क टूट जाता है। महिलाओं की कोई भी सुनवाई नहीं है, चाहे किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो वो महिलाओं का सम्मान करे और महिलाओं की सुरक्षा करे। जो भी वैकेंसी आई है वो सारी रद्द हो चुकी है, और अगर वैकेंसी निकाल भी दी तो उसके पेपर लीक हो रहे हैं। दिक्कतें आती है लोगों के घुटनों में, दिन पे दिन इसका दर्द बढ़ता जा रहा है। जो फ्लोराइड इतना बढ़ गया है, तो नहर जो अपने सिंचाई और पीने दोनों के पानी की व्यवस्था यहाँ होगी वो उसके लिए, और एक जो ड्रेनेज योजना है उसके लिए जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए।